संपूर्ण भारतवर्ष में जो विकास का काम हो रहा है, ये विकास का काम नवी मुंबई में जितना हो रहा है इतना शायद ही कहीं और हो रहा है। नवी मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, रोड्स, ब्रिजेस, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, इस प्रकार के काम हो रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जैसे नवी मुंबई का एयरपोर्ट का काम अभी पूरे गति पे चालू है। उसी प्रकार से नवी मुंबई मेट्रो का जो काम है उसका टप्पा एक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और टप्पा दो जो है वो दिसंबर तक के कंप्लीट होगा। आगे के मेट्रो का काम चालू होने वाला है। इस प्रकार से कई प्रकार के काम हो रहे हैं। जायज़ है इस प्रकार से जब काम होता है, विकास होता है, तो वहाँ पे लोक संख्या बढ़ती है, और जब लोक संख्या बढ़ती है तो उस वक्त लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। रहने का जो घर चाहिए वो दो प्रकार का होना चाहिए, एक तो वो अफोर्डेबल होना चाहिए और वो रहने लायक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि नवी मुंबई के सारे बिल्डर्स एक साथ आकर उन्होंने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज़ किया है। इस एक्सपो में हर प्रकार का घर का उन्होंने प्रदर्शन किया है। हाई एंड घर, मतलब पूरा पहाड़ जो है वो गार्डन है और एकदम टॉप में घर है, ये भी है यहाँ पर। पर साथ ही में जो एकदम EWS के हाउसिंग है, उस प्रकार का हाउसिंग भी यहाँ पर है। मैं सिडको का MD हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सिडको, जो यहाँ का प्लानिंग अथॉरिटी है और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, हमारा भी एक स्टॉल यहाँ पर है। उस स्टॉल में हमने हमारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनका, और हमारे यहाँ पे लोअर इनकम ग्रुप का जो सेक्शंस है उनका, उनके पूरा जानकारी जो है यहाँ पे विस्तृत जानकारी दी है। उसी प्रकार से हमारे जो प्लॉट्स होते हैं जिसमें आप अपना घर भी बना सकते हो या बिल्डिंग बना सकते हो या दुकान के लिए कमर्शियल आउटलेट्स है, ये सब का हमने भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो नवी मुंबई के प्लान डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छा कदम है। अभी कोविड का मौसम जो है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो मौसम अभी ढल चुका है और अभी जो है काम करने के दिन वापस आए हैं। तो मैं सबका कॉन्ग्रेचुलेशन्स, सबको अभिनंदन, बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को, इस बड़े एग्जीबिशन का आयोजन किया। हाँ, जॉब अपॉर्चुनिटी देखिए, जैसे फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा उसी प्रकार से एक बहुत बड़ा डिमांड यहाँ पर है ऑफ डेटा सेंटर्स एंड IT। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों इकोनॉमी के सेक्टर के नवी मुंबई एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ा है, जहाँ पे तीनों सेक्टर्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है और अभी फ़िलहाल आ भी रही है। तो ऑब्वियसली हर प्रकार का, हर सेक्टर का घरों का डिमांड होगा। सिर्फ इतना है कि घर जो है वो मेरे पॉकेट को अफोर्ड करने लायक होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस प्रकार के एक्सपोज में जो सिटीज़न है वो आके देख सकता है और देखकर अपना निर्णय जो है वो ले सकता है। लोगों को टक्कर देने के लिए नहीं है, हम उनको यहाँ पे मदद करने के लिए, हम एक फैसिलिटेटर है। तो मैं, हमारा जो हाउसिंग का स्कीम है उसमें मैं सिडको को एक मार्केट मेकर की तरह देखता हूँ। अब ये मार्केट मेकर क्या है मैं आपको समझा दूँ। मार्केट मेकर यानी ये कि हमने एक घर का साइज़ डिसाइड किया है, एक घर का नंबर डिसाइड किया है और एक घर का स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, और हमने उसका एक दाम डिसाइड किया हुआ है। ये दाम इंटरनेट में रहता है या ऑनलाइन बुकिंग होती है। तो दिस इज़ द मिनिमम रेट एंड दीज आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स। प्राइवेट सेक्टर के लिए ये बेंचमार्क है। आप इससे कम स्टैंडर्ड्स में ज़्यादा रेट नहीं ले सकते हो। सिमिलरली आपको अगर इससे ज़्यादा रेट लेना है तो आपको एम्यूनिटीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये मार्केट मेकिंग का काम है। और देखिए, जिस वक्त में कोविड था, जब इंडस्ट्री में लल थी, उस वक्त सिडको ने 1 लाख घर का योजना जो है हमने शुरू किया है, और अभी वो सिडको के अलग अलग जगह पे फुल स्पीड में काम चालू है। सो जो मार्केट को स्टेबिलिटी देने का काम है, वो स्टेबिलिटी देने का काम सिडको करता है, और प्राइस को अफोर्डेबल रखने का जो काम है वो करता है। बिल्डरों को टक्कर नहीं देता, सिडको शहर बनाता है। ये एक टाउन प्लानिंग स्कीम है और यहाँ पे 60-40 ऐसा कहा जाता है। तो ये 60-40 जो कहा जाता है, ये एक्चुअली इट इज़ एन एनाक्रोनिज्म, इट इज़ नॉट 60-40। इनफैक्ट आपकी जितनी ज़मीन है, आपको उस पूरी ज़मीन का जो बिल्डेबिलिटी है वो बिल्डेबिलिटी आपको दी जाती है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा दी जाती है। और वो कैसे दी जाती है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका एग्रीकल्चरल जोन में आपकी लैंड है तो उसमें आपको 4% की बिल्डेबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर आपको 40% पे 2.5 का FSI मिलता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सिडको वहाँ पे ऑन साइड और ऑफ साइड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के देता है। तो नवी मुंबई शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन रही है।
तो इसके लिए ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर द लैंड ओनर। इंसान ने ये देखना चाहिए, इफ़ यू सी द मैथ, नैना इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव स्कीम दैट सिडको हैज़ बॉट आउट टिल डेट, इफ़ यू सी द मैथ। इफ़ यू टेक इट कि हमारी ज़मीन ले ली ऐसा वैसा, देन दैट इज़ अ वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। बट अगर आपने मैथ देखा तो एग्रीकल्चरल लैंड को पूरा डिवेलप करके हाई का FSI के साथ, इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवेलपमेंट आर नॉट ऑफ द रूरल एरिया, स्टैंडर्ड ऑफ डिवेलपमेंट इज़ ऑफ नवी मुंबई सिटी। इतना अट्रैक्टिव प्रपोजिशन सिडको ने आज तक के लाया नहीं है, और सिडको ने ये प्रपोजिशन लाया है, और आने वाले दिनों में नैना हमारा विशेष फोकस रहेगा। कोई भी शहर जब बनती है कोई एक इंसान या कोई एक संस्था नहीं करता है, ऑब्वियसली इसमें जिन लोगों ने घर बनाए हैं तो ये एक पार्टनरशिप है। ये देश को बनाना है, देश को बनाने के लिए अलग अलग कई सारे लोगों ने सहभाग लिया, कई सारे इंजीनियरों ने काम किया, कई सारे आपके कॉन्ट्रैक्टरों ने काम किया, आर्किटेक्ट्स ने काम किया, उसी प्रकार के प्लॉट बने, प्लॉट बनने के बाद बिल्डर्स आए, बिल्डरों के साथ आर्किटेक्ट आए, उन्होंने बनाया, तो ये एक कंबाइंड एफर्ट होता है। कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी बड़ा काम जो है, ये कोई एक संस्था या एक व्यक्ति नहीं करता है, ये सबके साथ के साथ होता है। मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, नवी मुंबई को और नवी मुंबई का जो काम हुआ है इसको मीडिया ने हमेशा साथ दिया हुआ है। इसकी वजह से लोगों को एक पॉजिटिव इमेज भी गई है, तो लोग आके देख के गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक सामूहिक प्रयास है, और नवी मुंबई शहर और जो नवी मुंबई परिसर में हम काम देख रहे हैं, ये उस सामूहिक प्रयास का सफलता का जो एक है, ये हमारे सामने एक प्रतीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग साथ काम करें और देश को आगे लेके जाए। बिगेस्ट प्रोजेक्ट टुडे इज़ द एयरपोर्ट, साथ में नेक्स्ट इज़ नैना, देन वी आर डूइंग द लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड। हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो विश्व का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। फिर हमारा मेट्रो का प्रोजेक्ट है, वो जो है आज पूरा तैयार है, वो अभी बस शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ पे हम अभी एक इंस्टीट्यूशनल सिटी बना रहे हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। इस प्रकार से कई सारे चीज़ें जो शहर विकास के लिए है होता है वो कर रहे हैं। कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा एक प्रयास है, उम्मीद है कि आगे के दिन जो है वो सिडको परिसर के लिए, पूरा नवी मुंबई प्रकल्प के लिए एक उज्जवल भविष्य होगा। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 India लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।